देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिरों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में भव्य और दिव्य अंदाज में 26 और 27 अगस्त यानी दो दिन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर 26 अगस्त को श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे तक खुला रहेगा। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोपाल जी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर 100 करोड़ रुपए के गहनों से राधा कृष्ण का मंदिर का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इस दौरान भगवान की सुरक्षा में 200 जवान तैनात रहेंगे। भगवान कान्हा के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। तो कृष्ण मंदिरों में विशेष साज सज्जा शुरू कर दी गई है। कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इसको लेकर के अब मंदिरों को की सजावट शुरू कर दी गई है। मथुरा में 2 दिनों तक लगातार ये जश्न चलेगा। मंदिर 20 घंटे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर भी बेहद शानदार कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्कूल खुले रहेंगे और स्कूलों में कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। कृष्ण मंदिरों में भी विशेष साज सज्जा की जा रही है। जन्माष्टमी का चारों तरफ शोर है। हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। हर कोई तैयारियां कर रहा है। कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियां चल रही है। वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाया जाएगा। तो जन्माष्टमी को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही है। मथुरा में 2 दिनों तक जन्माष्टमी मनेगी और इसको लेकर के वहां तैयारियां चल रही हैं। वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मथुरा जहां कृष्ण की जन्मस्थली है वहां पर भव्य दिव्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश में भी तमाम स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे और यहाँ पर भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियाँ हो रही है। स्कूल कॉलेजों में बच्चों को कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। वृंदावन में 27 अगस्त को मंदिर 20 घंटे तक खुले रहेंगे जहां पर लोग पहुंचकर भगवान कृष्ण की आशीर्वाद ले सकेंगे। कृष्ण मंदिरों में लगातार तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा गया है। मंदिरों के आसपास सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम तैयारियाँ की जा रही है। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। जय कन्हैया लाल से अब कल से पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई देगी। कृष्ण मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जा रही है। दरअसल कल कृष्ण जन्माष्टमी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। फतेह सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव मौजूद है, माफ कीजिएगा। फतेह सिंह, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? तैयारियां कैसी चल रही है और सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? पीछे की एक लाइट गलत है, यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ जबलपुर शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बावजूद इसके जो लोगों का उत्साह है के एक पचपड़ा मंदिर में जहां पर जन्माष्टमी को लेकर यहां भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति है ये काफी प्राचीन मूर्ति है और यहां पर लगातार जो यहां के जो भक्त हैं और स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहां पर रात 12 बजे का यहां पर इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर काफी भव्य तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हें भी जानते हैं मैडम किस प्रकार ये तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जोर शोर से मनाने वाले हैं, हम सभी लोग ठाकुर जी का बहुत उत्साह से मनाने वाले हैं।
आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर क्लियर नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फतेह, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिरों में साथ सज्जा चल रही है, कृष्ण मंदिरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। दरअसल कल 27 तारीख है और 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है और सबसे सुंदर नज़ारा मथुरा वृंदावन में देखने को मिलता है, जहाँ पर कृष्ण के का जन्म स्थान है, जहाँ पर बेहद शानदार तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जी फतेह, पूरा कीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो पचपड़ा मंदिर है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। मैडम, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं? ये लगभग 450 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पे अभी सेवा में हमारे महंत कामता शरण जी हैं और पुजारी अभिषेक शर्मा जी जो है वो सेवा में है यहाँ पे। और तैयारियाँ तो जैसे मैंने बताया कि बहुत समय से चलती आ रही है, पर विगत 3-4 दिनों से जो तैयारी है वो बहुत उत्साह से है। पूरा डेकोरेशन हो चुका है, अभी भी जो लाइटिंग है वो लगी रही है और उत्साह तो चेहरे पे दिख रहा है। 12 बजे का कितना उत्साह नजर आ रहा है? 12 बजे का और 12 बजे की पूर्व का, मतलब रात्रि 11:30-11 बजे से जो है वो हमारे नंदन यशोदा नंदन के आगमन की जो है वो तैयारी होने लगेगी। तो शहनाई वादन होगा, उसके बाद कुछ जो है हमारे ठाकुर जी को बुलाने की तैयारी होगी और बहुत उत्साह होगा। मतलब खासकर जो दिन भर का जो कार्यक्रम रहता है उसमें हमारा 12 बजे का जो उत्साह है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, आप लोग भी यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार तैयारियाँ चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है, लोग राज्य से आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से दर्शन के लिए आए थे। बिल्कुल, ये थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ के जबलपुर शहर में जो हर मंदिर है, जो राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर आज सुबह से ही काफी लंबी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और उसके साथ ही जो कृष्ण की शोभा यात्रा है वो कल यहाँ पर जबलपुर में निकाली जाएगी और इसको लेकर जो जबलपुर पुलिस है उनके जो जुलूस में शामिल होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें जो शहर के जो बाजार है, गड़ा है, गुलौका है और रांची उपनगरीय क्षेत्र के जो बाजार है, इस समय राधा कृष्ण के जो वस्त्र होते हैं और मुकुट होते हैं, मोर के पंख होते हैं। बिल्कुल, मोर के पंख से सजाया जाएगा। फतेह सिंह, यहाँ पर एक अहम सवाल है जिसके बारे में दर्शक भी जानना चाहेंगे, पुजारी से जरा पूछिए उनसे कि कब जो है किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है? जी जी, हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और किस प्रकार ये पूजा यहाँ पर की जाएगी कृष्ण भगवान? बच्ची जो अभी बच्ची ने बताया है वही रेगुलर कार्यक्रम चलेगा जी, जो अभी मानसी शर्मा ने बता दिया। कितना महत्व है इस मंदिर का और कितनी पूजा की? तो महत्व आज से 500 वर्ष पहले यहाँ दो संत को राधा संप्रदाय के सेवक जी महाराज और स्वामी चतुर्भुजा, जिनका यहाँ राधावल्ली संप्रदाय का सिद्धांत ही ये ही उन्होंने लिखा है तपस्या, और निकुंजवास के बाद अपने गुरु हरिवंश महाप्रभु को यहाँ प्रकट कर लिया था। बिल्कुल, ये पूजा किस प्रकार की जाती है, रात में 12 बजे या फिर सुबह भी आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी और इसके बाद मेला शुरू हो जाता है, दर्शनार्थी लोग आने लगते हैं। रात को 11 बजे शहनाई वादन होगा, शहनाई वादन के साथ साथ आतिशबाजी वगैरह होते हुए और 12 बजे की जन्म की आरती। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं रात? यहाँ ये तो बताना मुश्किल है, पूरा क्षेत्र और राजी खमरिया आस पास के लोग भी यहाँ पर। बिल्कुल, ये यहाँ के पुजारी थे और यहाँ पर इनका भी साफ कहना है कि जो कि यहाँ देर रात जो 12 बजेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। बिल्कुल, 12 बजने के बाद भक्त जो है वो जयकारे लगाते हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। बहुत शुक्रिया फतेह सिंह, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।